हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। कोई भी बेसिक सॉफ्टवेयर कैसे बनाया जाए, आज हम इस पे बात करने वाले हैं। और ये सॉफ्टवेयर हम सी लैंग्वेज में बना सकते हैं। किसी भी लैंग्वेज में अगर आपको सॉफ्टवेयर बनाना हो तो आप करेंगे क्या, आप बनाएंगे कहां से? सॉफ्टवेयर बनाने के लिए सबसे पहला सवाल ये होता है कि आपको मैथ्स आती है, जो भी आपको आता है, चाहे मैथ्स हो, फिजिक्स हो, कोई भी आपको सॉफ्टवेयर बनाना हो, ठीक है, तो आप बनाएंगे कैसे? यहां पर प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो कुछ चीजों की आपको जरूरत पड़ेगी, लाइक आपको कीवर्ड्स की जरूरत पड़ेगी, आपको डेटा टाइप्स की जरूरत पड़ेगी, आपको इसके अलावा ऑपरेटर्स की भी जरूरत पड़ेगी। अब ये ऑपरेटर्स क्या होता है, डेटा टाइप क्या होता है, इनके बारे में अभी हम समझते हैं। जैसे सपोज कीजिए कि अगर आपको डेटा टाइप जानना है, ठीक है, डेटा टाइप के बारे में अगर आपको जानना है, तो जैसे मान लीजिए आपने मैथ्स में पढ़ा होगा इंटीजर, तो इंटीजर क्या होता है आप बताइए मुझे, इंटीजर क्या होता है? इंटीजर यानी कि जो नंबर या तो प्लस या तो माइनस में लिखा जाए वो कहलाता है इंटीजर, ठीक है। तो इंटीजर एक डेटा टाइप हो जाएगा, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में अगर आप कोई भी सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे हैं तो उसमें आपको पूरा इंटीजर लिखना नहीं होगा, ये आपकी गलती हो जाएगी। अगर आप पूरा इंटीजर लिखते हैं तो आपको केवल और केवल लिखना होगा इंट। ये जो इंट है इसे हम कहते हैं कीवर्ड। इंटीजर के लिए जो कीवर्ड है वो इंट हो गया, ठीक है। इसी तरह से अगर आपको कोई डेसिमल वैल्यू के लिए प्रोग्राम बनाना है तो वहां पर आप लिखेंगे फ्लोट, तो आपको लिखना है एफ एल ओ ए टी, बस आपको फ्लोट लिख देना है, आपका काम हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको करना है, ठीक है। अगर आपको कैरेक्टर यूज करना है, कोई एक कैरेक्टर लिखना है, कोई एक अल्फाबेट लिखना है, तो आपको यूज करना चाहिए कैर डेटा टाइप, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपको लिखना है यहाँ पे एस, तो आपको एस लिखने के लिए यहाँ पे यूज करना चाहिए कैर डेटा टाइप, सी एच ए आर। ये सी लैंग्वेज की बात कर रहा हूं, अन्य प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में भी लगभग प्रोसीजर यही होता है, चाहे आप पाइथन की बात करें, सी प्लस प्लस की बात करें, जावा की बात करें, या जावास्क्रिप्ट की बात करें, या कोई और भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की बात करें, तो इसी तरह का प्रोसीजर आपको फॉलो करना होता है। आई होप की बात समझ में आ रही होगी, ठीक है। अब सॉफ्टवेयर कैसे बनाया जाए, इसके लिए हमें एक आईडी की जरूरत पड़ेगी, और वो आईडी मैंने इंस्टॉल कर रखा है, अभी मैं उसके बारे में आपको बताता हूं। तो ये जो आईडी है उसका इस्तेमाल करेंगे। जैसे मान लीजिए हम लोग सी लैंग्वेज में प्रोग्राम बना रहे हैं, तो सी लैंग्वेज में प्रोग्राम बनाने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना है, वो आईडी ओपन करनी है, ठीक है। और फिर यही इंट, कैर, फ्लोट जो मैंने बताया आपको, इनका यूज हमें करना है और वहां पे हम सॉफ्टवेयर बना पाएंगे। बहुत ही बेसिक वीडियो है, बहुत ध्यान से समझिएगा, काम आपका हो जाएगा। यहां से ये यहां से जाकर के, और यहां मैं टाइप करता हूं कोड ब्लॉक्स, जैसे ही सी ओ डी ई टाइप करूंगा तो ऊपर आपको कोड ब्लॉक्स दिखाई पड़ेगा, ये इंस्टॉल कर रखा है मैंने। इसे हम आईडीई बोलते हैं, यानी इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। इसको आप ओपन कर लीजिए, आपको भी ये इंस्टॉल करना होगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स टर्बो आईडी का भी प्रयोग करते हैं, कॉलेजेस में, इंजीनियरिंग कॉलेजेस में भी टर्बो आईडी का प्रयोग किया जाता है। टर्बो आईडी ठीक है, लेकिन इट इज सपोज टू बी अ डेड कंपाइलर। पहले मैं भी टर्बो आईडी का यूज करता था, लेकिन अब जो है कम से कम कोड ब्लॉक्स या इसी तरह के और भी किसी आईडी की जरूरत हमें पड़ेगी तो वो आप ले सकते हैं, ठीक है। ये कोई जरूरत नहीं कि आप सिर्फ कोड ब्लॉक्स पे ही करिए, आप टर्बो आईडी पे भी कर सकते हैं काम, और इसके अलावा और भी कोई आईडी आपके पास है तो वहां पर भी आप काम कर सकते हैं। अब ये जैसे ही ओपन हुआ तो यहाँ पर आपको सिनेरियो कुछ इस तरह का मिलेगा। अब यहाँ से आप क्या करिए, सीधा फाइल पे चले जाइए। वैसे आप एम्प्टी फाइल पे भी जा सकते हैं, ये न्यू फाइल है, यहाँ पर भी क्लिक कर सकते हैं आप। फाइल पे जाइए, न्यू फाइल पे जाइए, और यहाँ से एम्प्टी फाइल ले लीजिए। यहाँ पर आ गए, अब हमको यहाँ पर हमको कोडिंग करनी है, ठीक है। बहुत ईजी है, बहुत ईजी वे में इसको समझिएगा। जैसे मान लीजिए कि हमें ऑड इवन का प्रोग्राम बनाना है, हमको ये पता करना है, एक ऐसा सॉफ्टवेयर डेवलप करना है कि कोई भी नंबर ऑड है या इवन है, या इसी तरह का कोई और प्रोग्राम, दो नंबर्स को मल्टीप्लाई कराने का प्रोग्राम या दो नंबर्स को डिवाइड करने का प्रोग्राम, इस तरह का कोई भी प्रोग्राम अगर आपको बनाना है तो सबसे पहले जरूरत पड़ती हैडर फाइल की। अब हेडर फाइल के पीछे कहानी क्या है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का स्टैंडर्ड है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का जो स्टैंडर्ड है उसे बोलते हैं आंसी। तो आंसी जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का स्टैंडर्ड है वो ये कहता है कि आपको हेडर फाइल लिखनी चाहिए, लेकिन अगर हेडर फाइल नहीं लिखते हैं तो आपके प्रोग्राम में कोई एरर नहीं होगी, आपका प्रोग्राम चलेगा। जैसे मान लीजिए हेडर फाइल हमें लिखनी होती है सी लैंग्वेज में, वो होती है हैश इंक्लूड stdio.h। अब ये .h का मतलब हो गया हेडर फाइल, ठीक है। ये जो हैश इंक्लूड आप लिख रहे हैं, ये जो है आपकी हेडर फाइल है, ठीक है। इसके बाद एक और हेडर फाइल लिखी जाती है हैश इंक्लूड conio.h, तो आप conio.h भी लिख सकते हैं, ठीक है, हैश इंक्लूड conio.h, ये लिख दिया हमने। और इसको लिखने के बाद आप
यहां पर मेन फंक्शन बना लीजिए, मेन फंक्शन के बगैर आपका प्रोग्राम नहीं चलेगा। तो कुछ लोग यहां पर इंट मेन लिखते हैं, इंट मेन लिखने का मतलब यह है कि आपको रिटर्न करवाना होगा कुछ ना कुछ, तो यह मेन फंक्शन आपका बन गया। अगर आप सिर्फ मेन लिखते हैं तो भी आपका काम चल जाएगा। तो यहां पे देखिए इंट हटा देता हूं, यहां पे केवल अगर मेन लिख देते हैं तो भी आपका काम चल जाएगा, लेकिन आपको मेन तो लिखना ही पड़ेगा, मेन तो आपका मेन फंक्शन है, ये तो आपको लिखना ही पड़ेगा। यहां पर कर्ली ब्रेसेस ओपन किया मैंने, अब हम यहां पर कोडिंग करेंगे जिसके मुताबिक हमारा प्रोग्राम चलेगा, ठीक है। तो एक छोटा सा प्रोग्राम जैसे ऑड इवन का प्रोग्राम है तो वो हम कर लेते हैं। तो जैसे मान लीजिए कि अगर आप आपको स्क्रीन जो है ओपन हो सॉफ्टवेयर की, तो आपको सबसे पहले क्या दिखाई पड़ना चाहिए आप बताइए। अगर स्क्रीन अगर ओपन होती है तो आपको सबसे पहले ये दिखाई पड़ना चाहिए, एंटर अ नंबर, ठीक है, ये दिखाई पड़ना चाहिए आपको, यही लिखा हुआ दिखाई पड़ना चाहिए कि एंटर अ नंबर। तो यही प्रोग्राम मैं लिखने वाला हूं। अब ये कैसे आएगा, तो यहां पर होता है प्रिंटएफ। अब ये जो हेडर फाइल है इसमें प्रिंटएफ स्कैनएफ की कोडिंग होती है। अब ये स्कैनएफ क्या होता है, स्कैनएफ यूजर से जब इनपुट कराना होता है, जैसे दो तरह के सॉफ्टवेयर होते हैं, एक सॉफ्टवेयर वो होता है जिसमें आपने ऐसा प्रोग्राम बना दिया जिसमें आपको 2+2 को ही ये ऐड करके देगा, यानी 2+2 का एडिशन देखना है तो आप यहां देख सकते हैं। इसी तरह का कोई और भी नंबर आप ले सकते हैं, जैसे 917 है और 2, या 917 है और 917, इन दोनों को ऐड कर दिया आपने। अब वो जब भी सॉफ्टवेयर चलाएंगे तो 917 प्लस 917 का एडिशन दिखाएगा। तो ये तो यूजर के मुताबिक नहीं हुआ, और यूजर के मुताबिक जो प्रोग्राम बनेगा उसमें आप स्कैनफ यूज करेंगे। तो चलिए यहां पे प्रिंटएफ यूज कर लेते हैं। तो यहां लिखा मैंने प्रिंटएफ, प्रिंटएफ लिखने के बाद यहां पर यूजर को स्क्रीन पे क्या दिखाई पड़ेगा, एंटर अ नंबर, ठीक है। तो हम बना रहे हैं ऑड इवन का प्रोग्राम, यहां पर टर्मिनेशन देना जरूरी। टर्मिनेशन कैसे होता है, सेमीकोलन लगाइएगा, ये लाइन जो है कंपाइलर को आपके ये पता चल जाएगा कि ये लाइन खत्म हो गई, तो ये होता है टर्मिनेशन। तो ये सेमीकोलन लगा करके करते हैं हम, ठीक है। अब ये नंबर जो एंटर होगा वो कौन एंटर करेगा, यूजर एंटर करेगा। अब यूजर तो कुछ भी एंटर कर सकता है, 2 एंटर कर सकता है, 5 एंटर कर सकता है, कुछ भी एंटर कर सकता है, ठीक है। तो यहां पर अब जैसे ही हम आएंगे तो अब यूजर क्या एंटर करेगा, पॉइंट में भी वैल्यूज एंटर कर सकता है, ठीक है। तब हमें याद आया कि वो डेटा टाइप तो हमने लिया नहीं, क्योंकि यूजर एंटर करेगा तो उसका डेटा का टाइप क्या होना चाहिए, तो इसलिए हमको यहां पर लिखना चाहिए इंटीजर। अगर हम डेटा इंटीजर रखना चाहते हैं तो यहां पर इंट कीवर्ड का यूज कीजिए, और यहां पर एक वेरिएबल बना लीजिए। वेरिएबल का क्या होता है ये भी आपको पता है, वेरिएबल एक प्रकार का ऐसा जो है जगह होता है जहां पर आप कोई भी वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। यहां पर ये हमने कर दिया और इसको टर्मिनेट कर दिया। तो हम बना रहे हैं ऑड इवन का प्रोग्राम। अब देखिए ये जो है इंटीजर डेटा टाइप है, तो इंटीजर डेटा टाइप के लिए हम फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या यूज करते हैं, व्हाट डू वी मीन बाय फॉर्मेट स्पेसिफायर, कि आपका डेटा टाइप क्या है, इंटीजर है तो इंटीजर के लिए % d यूज होगा, ठीक है। अगर आप डेसिमल वैल्यूज लेते हैं तो उसके लिए % f यूज करेंगे, ठीक है। डबल यूज करते हैं तो उसके लिए अलग है, lf है, और इस तरह की और भी चीजें हैं। कैरेक्टर यूज करेंगे तो %c यूज होता है, उसके लिए फॉर्मेट स्पेसिफायर। तो फिलहाल हमने इंटीजर यूज किया है int, तो यहां पर हम %d कर देते हैं, %d। अब चूंकि एक ही वैल्यू है, एक ही वेरिएबल है हमारे पास, ए ही है ना, तो अब हम यहां पर कर देते हैं क्या, ए, यानी कि वैल्यू जाके किसमें स्टोर होगी, एड्रेस ऑफ ए में, एड्रेस ऑफ ए। ये एड नहीं है, इसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की भाषा में एड्रेस ऑफ पढ़ते हैं। तो ये एड्रेस ऑफ ए कर दिया, एंटर करके नीचे आइए, यहां पर इसको डिफाइन करना है कि ये प्रोग्राम काम कैसे करेगा। तो यहां पे मैं इफ एल्स की कंडीशन लगाता हूं, बहुत आसान है। देखिए इफ ए में रखी हुई वैल्यू को मॉड्यूलस करवाएंगे 2 से, ठीक है, और रिमाइंडर 0 आ जाता है। मॉडुलस करवाना यानी मॉडुलस ऑपरेटर के बारे में आपने पढ़ा होगा, मॉडुलस का मतलब ये हुआ कि जो रिमाइंडर बताए, ठीक है। तो हमने यहाँ पे मॉडुलस ऑपरेटर का प्रयोग कर लिया, आप चाहे तो इसमें अपॉन जो डिवाइड ऑपरेटर है उसका भी यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया, अगर रिमाइंडर 0 आ जाता है तो हम कहेंगे यहाँ पे प्रिंट एफ। अब ये बताइए अगर रिमाइंडर 0 आ जाए 2 से डिवाइड करने पे तो वो इवन ही होगा ना, तो यहाँ पे बस आपको लिख देना है इवन, ठीक है। और दूसरी कंडीशन बनती है ऑड की, तो अगर नहीं डिवाइड हुआ तो कह दीजिए ऑड, तो यहां पे लिख दीजिए एल्स, और यहां पे लिखिए प्रिंट एफ, क्योंकि प्रिंट करवाना है तो बार बार हमें प्रिंट एफ लिखने की जरूरत पड़ेगी। तो यहां पे आप लिख दीजिए ऑड, ठीक है। तो ये लिख दिया इवन और यहां पे लिख दिया ऑड, बस यहां से टर्मिनेट कर दीजिए और यहां से इसको सेव करना है। तो ये प्रोग्राम मैं सेव कर रहा हूं, आप डेस्कटॉप पे या किसी भी जगह पे सेव कर सकते हैं, ठीक है। तो यहां पे मैं इवन के नाम से इसको सेव करता हूं, event.c, .c लगाना जरूरी, सी लैंग्वेज के फाइल की एक्सटेंशन होती है, ये हो गया। अब यहां पर आप जैसे ही सेव करेंगे इसको, तो अब हमें इसको जरूरत पड़ेगी कंपाइल करवाने की। तो कंपाइल करवाने के लिए कहां जाएंगे, यहां से जाएंगे और ये कंपाइल करंट फाइल दिया हुआ है, ठीक है। अगर कोई एरर नहीं है तो हमारा प्रोग्राम सक्सेसफुली कंपाइल हो जाएगा और इस तरह का
आपको आउटपुट दिखेगा नीचे, ठीक है। इसके बाद हमें क्या करना है, सिंपली बिल्ड पे जाके आप शॉर्टकट की का भी प्रयोग कर सकते हैं, यहां से रन करवा लीजिए। तो रन करवाएंगे तो यहां दिखेगा एंटर अ नंबर, ठीक है। अब एंटर करते हैं कोई नंबर, देखते हैं क्या होता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैंने एंटर किया 3, अब आपको पता है कि ये 3 कौन सा नंबर होता है, ऑड नंबर होता है। एंटर प्रेस कीजिए, यहां पे ऑड आएगा रिजल्ट, ठीक है। इस प्रोग्राम को दोबारा से आप चलाएंगे, यहां से यहीं से चला देता हूं, यहां से भी आप चला सकते हैं, नो प्रॉब्लम। तो यहां पर इस बार मैं 78 एंटर करता हूं, आपको पता है 78 जो है इवन नंबर है, तो क्या इवन नंबर ये देगा। एंटर प्रेस करता हूं, यहां पे इवन है। तो आप कोई भी इस तरह का नंबर देके देखेंगे तो आपको इवन ऑड पता चल जाएगा। हमने 1 को तो चेक ही नहीं किया, 1 को चेक करते हैं एक बार, 1 को चेक करेंगे, देखते हैं क्या होता है। यहां पे 1 लिखा मैंने, यहां पे ऑड आ रहा है, ठीक है। तो आई होप कि ये प्रोग्राम आपको समझ में आया होगा। अब देखिए, अगर आपको ऐड करवाना होता या डिवाइड करवाना होता तब क्या करते, इस कंडीशन में आपको यहां पर थोड़ा सा चेंज करना होगा प्रोग्राम में। ये आपने प्रोग्राम बनाया ऑड इवन के लिए, तो इसको मैं थोड़ा सा यहां से हटाता हूं, ठीक है। ये देखिए, ये यहां से मैं इसे हटाता हूं, ठीक है। और यहां पर जैसे मान लीजिए कि आपको डिवाइड करना है, तो एंटर नंबर यहां पे केवल इतना दे देता हूं, क्योंकि डिवाइड करना है ना, तो नंबर एंटर होगा उसके बाद हम डिवाइड करेंगे। तो ये एंटर नंबर दे दिया हमने, ठीक है। ये एल्स वाली कंडीशन और ये ऑड भी हटा देता हूं, इसकी भी जरूरत नहीं है डिवाइड कराने के लिए, ठीक है। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा कि इंटीजर में इंटीजर का अगर डिवाइड करेंगे तो आपको इंटीजर ही मिलेगा, आपको डेसिमल वैल्यू तो मिलेगी नहीं। तो इस वजह से हमें क्या करना चाहिए, हमें यहां पे फ्लोट ले लेना चाहिए, क्योंकि प्रॉब्लम आएगी। देखिए मैं करके दिखाता हूं, देखिए कैसे। यहां पे स्कैनफ का प्रयोग करता हूं, ठीक है। अब चूंकि डिवाइड करना है तो दो नंबर्स तो होने ही चाहिए और तीसरा भी वेरिएबल होना चाहिए, दो नंबर्स आएंगे ही आएंगे भाई, एक नंबर वो जिससे डिवाइड करना है और जिसमें डिवाइड करना है, तो ये दो नंबर होंगे और तीसरा जहां ये जाके स्टोर होगा, तो तीन वेरिएबल हमें बनाने होंगे। तो ए कर लिया, बी कर लिया और सी कर लिया, ठीक है। अब यहां पे स्कैनफ लिखता हूं। अब स्कैनफ लिखने के बाद क्या करेंगे, यहां पर डबल कोट्स ओपन करेंगे, पहला हो जाएगा परसेंट डी, क्योंकि हमने इंटीजर लिया है। अभी मैं उसको फ्लोट में चेंज करता हूं, पहले आपको दिखा दूं कि ये जो है किस तरह से हमारा काम जो है इससे गड़बड़ हो सकता है अगर हम फ्लोट नहीं लेते हैं तो, ठीक है। तो ये परसेंट डी लिख दिया और यहां पर क्या करेंगे, कॉमा देंगे और लिखेंगे एड्रेस ऑफ ए, ठीक है। फिर कॉमा देंगे, फिर लिखेंगे एड्रेस ऑफ बी, क्योंकि दो नंबर यूजर एंटर करेगा, एक जिसमें डिवाइड करना है और एक जिससे डिवाइड करना है। तो दोनों नंबर एंटर करने के बाद यहां पे टर्मिनेट कर दीजिए, टर्मिनेट करने के बाद सी इज इक्वल टू ए अपॉन बी कर दीजिए, ये आपका काम हो गया। और ये काम होने के बाद यहां पे प्रिंट एफ लिखिए, इस तरीके से ये लिखा मैंने प्रिंट एफ, और प्रिंट एफ लिखने के बाद यहां पे आप दे दीजिए परसेंट डी इज द डिविजन, ये आपको लिख देना है केवल, ठीक है, परसेंट डी इज द डिविजन। तो ये डिविजन होके आपका आ जाएगा और यहां पर आप कॉमा दीजिए, और कॉमा देने के बाद आपको यहां पे क्या देना होगा, सी में जाके स्टोर होगी वैल्यू, तो यहां सी दे दीजिए और सी देने के बाद यहां पे इसको टर्मिनेट कर दीजिए, काम हो गया है आपका। बस यहां से जाके इसको सेव करना है, तो मैं इसका नाम चेंज कर देता हूं, सेव एज पे चला जाता हूं और इसका नाम मैं इस बार रख देता हूं डिव, ठीक है, div.c लगाना जरूरी, क्योंकि सी लैंग्वेज के फाइल की एक्सटेंशन होती है। यही प्रोग्राम अगर C++ में बनाते आप तो आपको cpp लिखना पड़ता है, एक्सटेंशन C++ की .cpp होती है। तो बस एंटर कर दीजिए, ये काम आपका हो गया है और ये प्रोग्राम नीचे सक्सेसफुली कंपाइल भी हो ही जाएगा। तो ये देखिए हो भी गया है, ठीक है। अब आप तो अब आगे बढ़ते हैं, रन करवाते हैं इसको, ये रन करवा लिया। अब देखिए जो प्रॉब्लम मैंने क्या लिया हुआ है, यहां पे देखिए ये लिया हुआ है मैंने इंटीजर डेटा टाइप, तो इंटीजर को डिवाइड करेंगे इंटीजर से तो इंटीजर ही आएगा, ये प्रॉब्लम है, ठीक है। तो अब अगर मैं इसको यहां पे देख सकते हैं, ये रन करवा दिया है, अगर मैं यहां पे ले लेता हूं 8, ठीक है, और 8 को 3 से डिवाइड करवाता हूं तो प्रॉब्लम क्या आएगी, यहां पे रिजल्ट 2 आएगा, ठीक है, क्योंकि 3 2 जा 6 होता है और बाकी रिमाइंडर तो आएगा नहीं, तो ये प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, यहां पे फ्लोट ले लेते हैं, ठीक है। ये चीज जो है फ्लोट कर लीजिए आप, यहां पे फ्लोट करिए float, ये फ्लोट कर दिया। और फ्लोट करने के बाद आपको क्या करना है, सिंपली यहां पर फॉर्मेट स्पेसिफायर चेंज करना होगा। फ्लोट के लिए जो फॉर्मेट स्पेसिफायर होता है वो परसेंट एफ होता है, तो ये परसेंट एफ लगा दिया हमने, और यहां पर भी आप चेंज कर दीजिए परसेंट एफ कर दीजिए, बस काम हो गया, आपका प्रोग्राम बन गया। यहां से फाइल पे जाइए और सेव पे क्लिक कीजिए और यहां से बिल्ड पे जाके फिर इसको रन करवाना है हमें, पहले कंपाइल करवाएंगे फिर रन करवाएंगे। तो यहां पे चलते हैं बिल्ड पे और यहां से कंपाइल करवा दिया हमने और फिर यहां से जाकर के रन करवा दिया। तो ये रन करवाते ही यहां पे लिखा हुआ आया है एंटर नंबर, तो कोई नंबर एंटर करते हैं, जैसे मान लीजिए 8 एंटर किया हमने, ठीक है, और यहां 2 एंटर किया तो ये डिवाइड करके 4 आ रहा है, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अभी हम डेसिमल वाला ट्राई करेंगे कि क्या कोई ऐसा नंबर हम एंटर करें, जैसे मान लीजिए 7 एंटर किया, इसको 2 से डिवाइड कराते हैं, देखते हैं अब क्या होता है। तो यहां पे देखेंगे 3.5 आ रहा है, यानी डेसिमल में भी इसका रिजल्ट आ जा रहा है। तो फ्लोट का ये फायदा है,
आई होप की बात समझ में आई होगी आपको। एक और कोई नंबर ट्राई करते हैं, यहां से इसको रन करवा लेता हूं डायरेक्टली, और यहां पे कोई और नंबर ट्राई करते हैं लाइक 77 ट्राई करते हैं, 77 को डिवाइड कराते हैं 5 से, तो देखिए यहां पर रिजल्ट जो है 15.40 इस तरह का रिजल्ट आ रहा है। तो आई होप की बात समझ में आ गई होगी, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आपसे शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।